जब छोटी मोटी भूख लगी हो, शाम में अक्सर होता है कि मन करता है कि कुछ हल्का फुल्का खाने को मिल जाए जो चटपटा हो। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोना ब्लॉग में स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं मिलके चटपटा नाश्ता, जो कि खाने में बड़े मज़ेदार लगता है और झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए झटपट यह नाश्ता हम तैयार करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया कढ़ाई, इसमें हमने डाली है थोड़ा सा तेल, करीब 1 चम्मच, और इसमें हमें सिंगदाना भूनना है मूँगफली। तो मूंगफली को भून लेंगे, गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। और मूंगफली जब हमारी चटकने लगे, छिलके इसके चटकने लगते हैं, तो समझिए हमारा मूंगफली हो गया है। तो देखिए हमारा कितना बढ़िया से ये मूंगफली हो गया है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो निकालने से पहले करछी इस तरह से टेढ़ा करेंगे, एक्स्ट्रा तेल जो है कढ़ाई में हमारा निकल जाएगा। तो हम मूँगफली अपना निकाल लेते हैं। तो इसी तेल में हम डालते हैं यहाँ पे 1 चुटकी हल्दी पाउडर। अब इसमें हमें मुरमुरे भूनने हैं। अब इसमें हम डाल देंगे मुरमुरे। तो मुरमुरे जब हम भेल बनाते हैं तो थोड़ा सा भून के लेना चाहिए, इससे हमारे मुरमुरे ताज़े हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा कड़क हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा हल्दी या मसाला हम इसमें जो भी डालना चाहते हैं इस टाइम पे डाल सकते हैं। तो इसको धीमी आंच पे थोड़ा भूनेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी से हमारा जलने लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम 2 बैच में भून लेंगे। आपको जितना कम ज़्यादा भूनना है आप उसके हिसाब से ले लीजिए। तो देखिए हमारा कितना बढ़िया कड़क हो गया है, एकदम चूरा हो जा रहा है। तो हमारा हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में, बहुत जल्दी से हो जाता है। चलिए अब फटाफट हम लेते हैं एक बड़ा बर्तन जिसमें हमें सारी चीज़ें मिक्स करनी है। तो ये हमारा मज़ेदार भेल बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मुरमुरे, और इसमें डालते हैं भुने हुए सेंगदाना या मूँगफली। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे 1 प्याज को हमने बारीक कट करके लिया है। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप करिएगा। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अब इसमें डाल रहे हैं 1 टमाटर को हमने बारीक कट करके लिया है। और इसमें अब डालेंगे हम हरा धनिया। यहाँ पे हमने थोड़े से हरे धनिया लिए हैं बारीक कट करके। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमकीन। तो आपके पास जो भी नमकीन है, थोड़ा चटपटा नमकीन होगा तो और ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें हम नमकीन डाल देते हैं। और इसमें आप थोड़ा सा चटपटा और थोड़ा सा प्लेन दोनों नमकीन डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने 1 चम्मच नींबू का रस निकाल के लिया है, इसे डाल देते हैं। और अब यहाँ पे हम डालेंगे चटनी। तो हमारा पास रेडीमेड चटनी पाउडर रहता है जो वो है, उसको हमने घोल के लिया है। तो आपके पास यदि ये नहीं है तो आपके पास इमली की चटनी हो या धनिया की है या आमचूर की चटनी आप फटाफट तैयार कर सकते हैं। तो आप कोई भी चटनी आप ले सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी चटनी नहीं है तो आप बिना चटनी के भी बना सकते हैं। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है फटाफट, क्योंकि इसमें हमने चटनी डाला है तो मुरमुरे जो है कि थोड़ा सा गलने लगते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा। और खाने में इतनी मज़ेदार यह भेल लगती है कि आपने यदि एक बार इस तरह से बना लिया तो आप बार बार इस तरह से बनाना चाहेंगे। थोड़ा सा हमारे पास प्लेन सेव है तो थोड़ा हम ये भी डाल देते हैं। भेल का ऐसा है, आपके पास जो भी सामग्री है, आप जो भी नमकीन है, सब इसमें डाल लीजिए, सब भेल के साथ अच्छा लगता है। अब बस इसको हम फटाफट सर्व करते हैं क्योंकि बहुत जल्दी से हमारा गलने लगेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको पता चल सके। आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, हमारे और भी वीडियो देखिए, आपको कैसा लगता है हमें बताइए। तो आप इस तरह से भेल तैयार करें और मज़ेदार भेल घर में तैयार होगा और घर में बड़े छोटे सबको बहुत पसंद आएगा। तो आप एक बार हमारे तरीके से जरूर ट्राई करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। हम जब भी बाहर जाते हैं यदि भेल दिख जाता है तो मन करता है कि भेल खाया जाए। तो इस तरह से भेल आप घर में तैयार करें, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। जय हिंद दोस्तों।